और ये जगह तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये वही जगह है। अभी रास्ते से हम अभी जा रहे हैं उस तरफ अब्दुल हकीम की तरफ, और रास्ते में ये वही मुकाम आया है जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। लास्ट मेरी वीडियो इसी जगह की है, हेड से बनाई की। उस टाइम जब आपने वीडियो देखी होगी, आपको मैं साइड में वीडियो दिखा देता हूँ। इसके अंदर देख रहे हैं कि मैं नीचे उतरा हुआ हूँ, लेकिन अब यहाँ पर पूरा पानी पानी है। यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, देख रहे हैं ऊपर तक पानी आया हुआ है। तो ये रास्ते में बड़ा खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। मैंने अपनी, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लें उस वीडियो को। उसको मैंने जब दिखाया था तो इधर पानी वानी कुछ नहीं था, सब सूखा पड़ा था। और मैं दरिया तक गया था जो आगे दरिया रावी है। अब यहाँ से छोटी सी नहर काट के निकाली जो मुख्तलिफ लोगों को सैराब करती है। और यहीं इसी रास्ते से मैं आया था तुलंबा से, वो मैंने आपको पूरा सफ़र भी दिखाया था। तो ये है एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट, हेड्स इतना ही इसको कहते हैं मेरी वीडियो पे। इससे तो आइए चलते हैं आगे अब्दुल हकीम की तरफ। मैंने कहा चलें, एक रास्ते में पॉइंट है तो मैं दिखाई दूँ आपको। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि पानी होता है यहाँ काफ़ी पानी। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं जो हूं वो अब्दुल हकीम पहुंच चुका हूं। और ये अब्दुल हकीम का मेन सिटी सेंटर है। जैसे कि हर शहर में मैं आपको दिखाता हूं कि कोई ना कोई सेंटर होता है, बिज़नेस हब होता है, इसी तरह ये गौसिया चौक है इसको कहते हैं। और यहाँ से ये जो रास्ता देख रहे हैं आप मेरे लेफ़्ट साइड पर, ये फैसलाबाद को जाता है, और ये रास्ता जो है कच्चा कुआ को जाता है। और इस तरफ आ जाएँ तो ये जाता है हमारा मियाँ चुन्नू, और ये रास्ता सीधा जाता है मुल्तान की तरफ। तो ये सिटी सेंटर है, और इसकी तारीख के हवाले से भी अगर बात की जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है। और अब्दुल हकीम का जो नाम है, ये शहर का जो नाम पड़ा, वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे अब्दुल हकीम साहब, उनके नाम के ऊपर ही इस शहर का जो है नाम रखा गया था। और एक छोटा कस्बाती सा शहर है ये खानेवाल का, और जो डिवीज़न है मुल्तान इसका लगता है। और बड़ा अच्छा और छोटा सा शहर है, मतलब शहर कहें या कस्बा कहेंगे इसको, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो बहुत कच्चा हुआ करता था, गांव टाइप होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तरक्की जो है ना वो नज़र आ रही है, हो रही है। और आबादी जाहिर है दुनिया भर में तो क्या कहूँगा कि पाकिस्तान में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी तनासब से यहाँ पर भी आबादी बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि शहर की गहमा गहमी यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो लोग गुजार रहे हैं। और इस टाइम लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ बाज़ार सारे खुले हैं और लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल डॉगर। क्या कहते हैं इकबाल भाई, कैसे लोग हैं यहाँ के अब्दुल हकीम के? अच्छे लोग हैं, मिलनसार हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो करीब करीब कौन कौन सी जगह, कौन से शहर जहाँ लगते हैं करीब में? शहर अब्दुल हकीम खानेवाल। अब तो आपको पता है अब्दुल हकीम का नाम अब्दुल हकीम क्यों पड़ा है? पता नहीं, हमें क्या पता। आपको नहीं पता? आप इधर के नहीं हैं? नहीं। आपको पता है क्यों अब्दुल हकीम कहते हैं यहाँ? आपको भी नहीं पता? भाई तेन पता होना। चले जी, यहाँ लोगों को नहीं पता कि अब्दुल हकीम क्यों कहते हैं, हालांकि मशहूरी भाई से पूछते। चले एक भाई हो रहा है, उनसे पूछते हैं। आपको पता है अब्दुल हकीम क्यों कहते हैं इस शहर को? जी जी, क्यों कहते हैं? यहाँ के एक बुजुर्ग थे, अच्छा अल्लाह वाले से, अच्छा उनका नाम अब्दुल हकीम था। अच्छा, उन्हीं के नाम से ये जो शहर है इसका नाम अब्दुल हकीम। कितना बड़ा शहर होगा ये? ये काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ की मशहूर जगह कौन सी है, अगर कोई बंदा घूमने के लिए आना चाहे? जी जी, तो यहाँ पे हेड सिदनाई के अलावा और कौन सी जगह है? और यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। कोई जगह तारीखी इमारतें वगैरह इधर है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है। कोलंबा में शायद कोई मिल जाए, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं जी। चले जी, एक भाई को पता था कि शहर का नाम कैसे पड़ा। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये किधर है इनका मज़ार अब्दुल हकीम का? यहाँ से 1 किलोमीटर, इसी रोड पर 1 किलोमीटर। चले जी, उस मज़ार पर भी चलेंगे। और ये गौसिया चौक है सारा, आप देख रहे हैं, और बड़ी गहमा गहमी है। आगे चलते हैं। अब्दुल हकीम पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला खानेवाल का एक कस्बाती शहर है, जिसका नाम सूफ़ी और वलीउल्लाह सुल्तान अब्दुल हकीम की नस्बत से पड़ा है। ये तुलंबा से 10 किलोमीटर के फासले पर मुल्तान डिवीज़न में वाक़ है। कहा जाता है कि शहर अब्दुल हकीम इब्तिदा में एक सहू ख़ानदान की नेक और पारसा औरत की मिल्कियत था,
जिन्होंने औलाद नरीना ना होने के बायस हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम से दुआ की दरख्वास्त की। आपकी दुआ से इस खातून को अल्लाह ताला ने नरीना औलाद से सरफराज फरमाया। इस साल पाक दामन खातून ने ये इलाका हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम को नजराना किया। बाद में ये इलाका हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम के नाम से मौसूम हो गया। अब्दुल हकीम मुल्तान के रास्ते में कबीर वाला से पहले आता है और इससे तुलंबा कुछ ही फासले पर वाक़े है। सिर्फ 10 साल पहले अब्दुल हकीम एक गांव की मानिंद पसमानदा हुआ करता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी तरक्की कर चुका है। यहां पर आर्मी का बहुत बड़ा कैंप भी वाक़े है और एक कदीम रेलवे स्टेशन भी है जहां से हर वक्त ही ट्रेनों का गुजर रहता है। अब्दुल हकीम के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले और मिलनसार हैं। इस इलाके से नामवर गुलकार भी हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में पंजाबी सकाफत को ना सिर्फ तरवीज दी है बल्कि इसमें जिद्दत के भी जिम्मेदार हैं। इस छोटे से कस्बे में जो है तो जनूबी पंजाब का हिस्सा, लेकिन जनूबी पंजाब के कई शहरों के बाद आबाद हुआ इसकी नस्बत काफ़ी तरक्की याफ्ता हो चुका है। यहाँ सेहत की बुनियादी सहूलियात भरपूर अंदाज में एक अच्छे अस्पताल की सूरत में मौजूद है। तालीम की सहूलत भी डिग्री कॉलेज और पंजाब कॉलेज के अलावा सरकारी और प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल की सूरत में आवाम को मैसर है। फासला ज़्यादा नहीं क्योंकि यह कस्बा सिर्फ एक ही मेन रोड पर मुश्तमिल है और अब यहाँ से मोटरवे भी गुजर रही है, जिसका फ़ायदा यहाँ के मकीनों को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर ज़रिया माश ज़मींदारी और सरकारी मुलाजमत है, लेकिन औरतों को आला तालीम के लिए अब भी मुल्तान का सफ़र करना पड़ता है। और जी ये अब्दुल हकीम ही है, सारा बाज़ार है, बड़ा कंजस्टेड सा रोड लग रहा है और अभी तो रश इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रश है, कुछ दुकानें भी बंद पड़ी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और अभी मेरे हुलिये में मत जाइएगा आप लोग, कभी आप 180 या 200 किलोमीटर का सफ़र बाइक पर तय करके कहीं पहुँचें फिर पूछूंगा आपसे कि ऐसा हुलिया होता है कि नहीं, तो हुलिये में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। दूसरा, अभी हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ और ये एक मेन रेलवे ट्रैक है जो कि फैसलाबाद जाता है, यहाँ से लाहौर फैसलाबाद। अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ से हर वक्त कोई ना कोई ट्रेन गुजर रही होती है, क्योंकि सेकंड मेन रेलवे ट्रैक कहलाता है जो यहाँ से गुजरता है। और ये छोटा सा कस्बा कहेंगे, इसको शहर कहेंगे, शहर की तरफ ये मतलब मंजिलें तय कर रहा है शहर बनने के लिए। तो ये एक छोटा सा शहर या कस्बा कह लें इसको, ये वो है। और आगे जो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि आगे मेन शहर की जो है आगे और भी है, तो आगे चलते हैं आपको दिखाता हूँ। अभी लोकल से बात कर रहा था तो पता चला कि यहाँ की जो एक मशहूर चीज़ है वो हड्डी जोड़ गोली है, कोई जो हड्डी जोड़ने में बहुत कारामद है वो गोली, और यहाँ की मशहूर है। उन्होंने अभी बताया कि कोई ऐसी कोई गोली होती है यहाँ की मशहूर, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ना यहाँ की मशहूर सुरीली आवाज़ें भी हैं, यहाँ से कुछ मशहूर सिंगर भी निकले हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने दुनिया भर में नाम रोशन किया है। और इसके साथ ही हमारे जो मौलाना तारिक जमील साहब का जो इलाका है तुलंबा, वो भी नज़दीक है यहाँ से, ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर का रास्ता मेरे ख्याल से। मेन रोड से हम दाखिल हो गए हैं, यहाँ से अंदर जाके दरबार है बाबा अब्दुल हकीम का जिनके नाम पे शहर है। आइए दरबार चलते हैं। भाई बाइक नहीं लगा दो, मैं साथ लगा यहाँ से। और ये दरबार में हम आ गए तो मेरे ख्याल से लोगों का रश बता रहा है कि शायद खुला है दरबार, खुला हुआ है दरबार, खुला है। तो आइए अंदर से भी आपको दिखाते हैं। और लोग बड़ी अकीदत से आते हैं इधर, जाहिर है लोगों की बिलीव होते हैं, लोग मन्नतें मुरादें मानते हैं। और हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम के मैं मज़ार पर पहुँच चुका हूँ और इसके साथ एक ही बड़ी मस्जिद है और एक पीपल का दरख्त लगा हुआ है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा ये सामने।
और सामने ही जो है वो हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम का मज़ार है। आइए मज़ार में चलते हैं। मुगल शहनशाह जहांगीर के अहदे हुकूमत के आयाम में बमुकाम पीर करोड़ी आपकी विलादत बासादत हज़रत ख्वाजा गुलाम अली और दादा का नाम अल्लाह जोया था। आपके अबाउजदाद की कदीम सकूंद चूँकि हज़रत पीर सुल्तान करोड़ी में ही थी, आपके वालदेन के मज़ारात भी वहीं हैं। आप वक्त के कुतुब जमान मादर जात सुल्तान वली थे। मुगल दौर के शहनशाह ने दिल्ली में एक अजीम शान मस्जिद बनवाई, मगर मस्जिद का किबला रुख टेढ़ा था। बानी मस्जिद बहुत गमनाक थे, मस्जिद भी शहीद नहीं की जा सकती थी। आखिर उमर सलाह ये ठहरी कि किसी साहिब कमाल बुजुर्ग से रजू किया जाए, शायद मकसद पूरा हो जाए। दिल्ली में एक मजजूब बुजुर्ग भी रहते थे, उन्होंने हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम की तरफ इशारा किया, जो कि इलाका तुलंबा जिला मुल्तान रावी के किनारे रहाइश पजीर थे। अब्दुल वहाब नामी बा अमर शहनशाह कई दिनों की मुसाफत के बाद आपकी खिदमत अकदस में हाजिर हुआ और मुद्दा अर्ज किया। आपने मुतबस्सम होकर फरमाया, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था, भेजने वाला भी तो कर सकता था। आपने कपड़ा धोकर निचोड़ा और फरमाया कि मस्जिद सीधी हो गई है। अब्दुल वहाब ने वक्त और तारीख नोट की, वापस दिल्ली पहुंचकर मस्जिद को सीधा किबला रुख देखकर बहुत खुश हुआ, वक्त और तारीख वही थी। इस तरह के और कई मौजज़ात सुल्तान अब्दुल हकीम के मशहूर हैं। तो ये था मेरा आज का सफ़र अब्दुल हकीम के लिए, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखा सका वो दिखाया, और जितनी मालूमात मुझे थी वो मैं आपको दी, शेयर की आपके साथ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सीरीज़ ये सफ़र आपको मैंने पूरा दिखाया फैसलाबाद से अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर, तो उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो वीडियो कैसी लगी। अगले हफ्ते तक के लिए माजरा, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।